मियां नवाज शरीफ, शहबाज, बिलावल, अभी तमाम दोस्त मेरे पास आप बैठे हुए हैं। खान साहब के बारे में कुछ सोचो, क्या करना है। खान साहब ने तो हम सबको तंग कर दिया है, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया है। मियां साहब, कुछ आप अपना सवाल पेश करें। शहबाज आप ही, बिलावल आप ही, ये पीछे खान साहब भी बैठा हुआ है, सुन रहा है। कुछ इसके बारे में, लाया मुल्क के बारे में सोचें। हम तंग से फंग हो चुके हैं मियाँ साहब। मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। हाँ, जरदारी साहब, आ भी मीटिंग के लिए आपने बुलाया है, कुछ सोचें। खान सोचते हैं खान साहब के लिए। देखो, अभी मौका मांग रहा है, कैसे मौका दें खान साहब को। अभी तो मौका नहीं देते, अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी खान साहब को हमें उतार कर रहेंगे। कुछ बिलावल आप ही बताएं, मियाँ शहबाज आप ही बताओ। अभी इसके बारे में, खान साहब के बारे में क्या करना है? कोई डंडों से काम करना है या कोई सियासी तरीका लड़ाना है? महंगाई तो खान साहब ने आप बहुत ज़्यादा कर दी है, मौका मांग रहा है खान साहब, कह रहे हैं कभी एक मौका दें। अभी तो मौका तो हम नहीं देते हैं मियाँ, देखो ना खान साहब क्या कर रहा है। ज़रा जरदारी देखो, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं खान साहब को। अभी हम ऐसा इतने से हमें तंग परेशान किया हुआ है। लेकिन मेरा जो मर्जी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूं। हाँ देखो मियाँ साहब, अभी फिर भी खान साहब हमसे डरते नहीं है ना, इसको कोई कुछ डर नहीं लग रहा है। हमने तो अपनी मीटिंग इसलिए, ये बैठक बुलाई है, कुछ खान साहब के बारे में सोचते हैं। हमें तंग परेशान किया हुआ है खान साहब ने, हम तो इसके को सोचने के बारे में लगे हुए हैं। और ये कह रहा है मेरा कुछ कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लें। दरदारी अभी आप सोचें, आप तो इतने बड़े दलेल हैं, पूरे सिंध को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। देखो ना, हम भी अब वक्त में दड़ेल रहे हैं, लेकिन आप हमसे ऊपर हैं। खान साहब के बारे में कोई सोचें, इसके बारे में क्या करना है। अच्छा, हाँ, मियां ग्रुप साहब, मेरे भी अभी बात सुन लें। दरदारी साहब, बिलावल भी बैठे हुए, ये शेख अभी साथ बैठा हुआ है, खान साहब पीछे सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ करते हैं इसके बारे में। या तो धरना देते हैं या कोई डंडों सोटे से कुछ काम करते हैं। खान साहब को भी छोड़ेंगे नहीं। अरसा वक्त गुजर चुका है, तंग परेशान किए हुए हमें। मेरे पास तो ना बंगले कोठियां रही हैं, ना वो अय्याशी रही है। वक्त में मैं भी बड़ी अय्याशी करता था, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा खान साहब के बारे में, क्या करना चाहिए खान साहब के साथ। हमारे से जवाब मांग रहे हैं। जी, अभी देखो ना, खान साहब, चाचा खान साहब हमें से क्या है कि हमसे जवाब मांग रहे हैं। खान चाचा खान साहब कोई दूसरी नहीं हो रहा, हम तो इनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। देखो ना, चाचा फजल रहमान साहब बैठे हैं, चाचा फजलू, मियाँ शबा साहब भी, मियाँ नवाज साहब भी बैठे हैं, अभी अबू जरदारी साहब भी साथ बैठे हैं। खान साहब को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, देखते हैं अभी लाया अमल करते हैं ना। अभी हम या तो धरना देंगे या बाहर फेंकेंगे खान साहब को। खान साहब तो कुछ असर ही नहीं हो रहा हमारी बात का, ना कि डर लग रहा है ना परेशानी लग रही है। ये तो होगा। प्यारे दोस्तों और भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ लगे घंटे के आल के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका किसी जाति दुश्मनी से कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ आपको फ्रेश मिनट देने के लिए। थैंक्स।